नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है टॉप 10 खबरों का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पे। नीट विवाद के बीच आधी रात पेपर लीक के खिलाफ सरकार लाई नया कानून, सीएसआईआर, यूजीसी, नेट परीक्षा स्थगित। बिहार में ध्वस्त हुआ एक और पुल, दर्जनों गांव का संपर्क टूटा, बड़ी वजह आई सामने। लाखों युवाओं का भविष्य कर दिया बर्बाद, प्रियंका गांधी ने नीट मामले में बीजेपी को घेरा, बोली अब भ्रष्टाचार का खेल बंद हो। झारखंड टीम से भी बाहर हुए ईशान किशन, जेएससीए ने जारी की 40 खिलाड़ियों की लिस्ट, स्टार बल्लेबाज को नहीं मिली जगह। कोलकाता के गार्सन प्लेस में लगी भीषण आग, थाने में अर्जुन टावर भी लपटों की चपेट में। एक्शन में चंद्रबाबू नायडू, जगमोहन रेड्डी का केंद्रीय पार्टी कार्यालय ध्वस्त, कई बुलडोजरों ने देखते ही देखते किया जमींदोज। दौलताबाद की एक फैक्ट्री में ब्लास्ट, हादसे में 2 लोगों की मौत, कई मजदूर घायल। दिल्ली की वड़ापाव गर्ल ने एक दिन की अर्निंग का किया खुलासा, कमाई सुन उड़े घर वालों के होश। यूपी में 16 आईपीएस अफसरों के तबादले, लखनऊ और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर बदले गए, रमित शर्मा बने एडीजी जोन बरेली। अतीक के राजदार वकील खान सौलत हनीफ का लाइसेंस निरस्त, जेल में काट रहा सश्रम आजीवन कारावास की सजा। फिलहाल के लिए इन टॉप 10 खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।